सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उन्नीति रोबिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। और दोस्तों ये देखें जी, एक ओरियन डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर का जी ये इनडोर मॉडल का पीसीबी है। तो देखें ये आज रिपेयरिंग के लिए आया है और ओवर वोल्टेजेस की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ब्रस्ट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है। तो देखें यहाँ पे पीटीसी सेंसर मुकम्मल तौर पे लागू हो चुका है। इसके अलावा इसकी देखें जो प्रिंट्स हैं, तो प्रिंट्स को अगर देखा जाए तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा ये इसका फ्यूज़ जो उड़ चुका है, और इसके बाद जो देखें यहाँ पे लाइन फिल्टर जो है वो मुकम्मल तौर पे जल चुका है। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें ख़राब हैं। इसका जो ZNR है, तो देखें ये ZNR जो है वो पैक्ड है, इसमें कवर में पैक है, तो ये भी जल चुका है। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें जली हैं। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को चेंज करेंगे और ये लाइंस को सही करेंगे। इसके अलावा देखें बैक से अगर देखा जाए तो बैक से भी इसकी जो प्रिंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखें ये प्रिंट जो है मुकम्मल तौर पर, ये देखें मुकम्मल तौर पर जल चुका है। तो अब ये चीज़ें सारी चीज़ें हम रिपेयर करके तो फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें और हमने क्या काम किया और कौन कौन से पार्ट्स चेंज हुए कि ये पीसीबी ठीक हो गया। और मेरा जो तरीका है जी, पहले सबसे पहले फिज़िकल टेस्ट। तो फिज़िकल टेस्ट में देखने मैंने आपको तमाम चीज़ें दिखा दी हैं। तो सबसे पहले तो हम इन चीज़ों को चेंज कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं उनको चेक करके तो इस पीसीबी को ऑन करेंगे। अब इसके तमाम जो फॉल्टी पार्ट्स हैं उनको हम निकाल लेंगे। इसके लिए हमारा जो सोल्डरिंग स्टेशन है और डिसोल्डरिंग तमाम रेडी हो चुके हैं। अब देखें इनको हम निकाल लेंगे। तो अब इसकी ZNR को निकाल देंगे। अब इसकी रेजिस्टेंस को चेक कर लेंगे जी, ये 2 MΩ रेजिस्टेंस। तो देखें जी ये क्या शो करती है, ये 2 MΩ बिल्कुल ठीक है। तो ये जी लाइन फिल्टर है, देखिए मुकम्मल तौर पे इसने ख़राब हो चुका है, मेल्ट हो गया हुआ है। इसके अलावा इसका फ्यूज़ निकाल लेंगे जी, देखें ये वाला इसका फ्यूज़ है। अब इसके प्रिंट को जो है वो सबसे पहले हम रिपेयर कर लेंगे। तो प्रिंट के लिए देखें ये पीटीसी सेंसर के साथ लगा हुआ है, तो इसके अंदर डाल देते हैं। ये पीटीसी सेंसर है, इसको अब हम इंस्टॉल कर देंगे। तो ये लगा देते हैं, ये देखें प्रिंट यहाँ से लाइन फिल्टर से लेके तो इस तक जो है वो ख़राब हो चुका है। अब इसको भी सही कर लेंगे। अब जिसका लाइन फिल्टर जो है वो चेंज कर दिया हमने, तो ये देखिए पुराना, अभी नया इसमें इंस्टॉल कर देंगे। और इसकी जो वायर जो डिस्कनेक्ट हो चुकी है वो भी हमने इंस्टॉल कर दी इसके साथ। तो अभी देखें ये इसको इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पे। ये जी लाइन फिल्टर हमने चेंज कर दिया है, अब इसकी पॉइंट को सीधा कर देंगे क्योंकि ये पॉइंट इस तरफ आता है। इसके बाद जी ये फ्यूज़ है, तो फ्यूज़ को इंस्टॉल कर देंगे। अब जो है वो ZNR रह गई है, तो ZNR भी हमारे पास मौजूद है जी। तो ये रही जी ZNR, अब हम इसको भी लगा देंगे। तो अभी हमने इसमें चार चीज़ें चेंज कर दी हैं जी, ZNR, ये पिच सेंसर, फ्यूज़ और लाइन फिल्टर। अब बाकी चीज़ों को टेस्ट कर लेंगे, इसके बाद जो है आगे फिर इसके इलेक्ट्रिक देंगे। तो अगर कैपेसिटर को देखा जाए फिज़िकली तो कुछ ऐसा डैमेज नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा देखें फिज़िकली कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है मीटर से एक दफ़ा चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इनको मीटर के साथ चेक कर लेंगे बारी बारी तमाम पॉइंट्स को, क्योंकि मीटर के साथ ही कंफर्म होगा कि ये ठीक हैं कि ख़राब हैं। तो सबसे पहले हम इसके रेक्टिफिकेशन को चेक करेंगे। तो देखें डायोड मोड पे हमने इसकी सेटिंग कर ली है, तो अब देखें बारी बारी जो है वो तमाम पॉइंट्स को चेक करेंगे। तो इसके लिए देखें तरीक़ेकार वही पुराना कि एक पॉइंट पर लगा लें और तमाम पॉइंट्स को बारी बारी चेक कर लें। तो अब प्रोब को चेंज करें, प्लस को इस साइड पे कर लें। तो अगर ये तमाम पॉइंट्स पे देखें कुछ वोल्टेजेस आ रहे हैं 0.528, तमाम पॉइंट्स पे सेम वोल्टेजेस आने चाहिए। अगर इनमें फ़र्क आता है वोल्टेज में भी, तो ये रेक्टिफायर जो है वो ख़राब हो चुका है और इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो देखें एक तरफ इसने कोई रीडिंग नहीं शो की और एक तरफ इसने मुकम्मल रीडिंग शो की। तो ये बेस्ट तरीका है इसको चेक करने का, बोर्ड के अंदर यानी कि पीसीबी के अंदर चेक करने का बेस्ट तरीका है। पीसीबी से बाहर निकाल के थोड़ा इसका जो तरीका है डिफरेंट हो जाता है। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं जी इसके स्विचिंग आईसी को। तो स्विचिंग आईसी को देखें हम इसके लगा लेते हैं जी पिन नंबर इसकी। चलें एक साइड से हम स्टार्ट करते हैं
और ये इसको आना चाहिए, ये देखें रीडिंग दे रहा है, ये भी रीडिंग है। इसको सिफर नहीं कहीं पर भी होना चाहिए, अगर किसी पॉइंट पर ये सिफर हो जाता है तो ये मतलब है कि, अगर तो वो कॉमन नहीं है तो उसको सिफर नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त ये जी बिल्कुल ठीक हो चुका है, ये देखें ये इस तरफ जो है इसके सब सोर्स हैं और इस तरफ जो है वो जो कॉमन और इसका वो पॉइंट है ड्रेन है। तो ये इस तरफ हम लगाएंगे तो ये हमें सिफर सिफर दिखाएगा, देखें यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो ये हमें सिफर आएगा और इस तरफ हमें वो दिखा रहा है, चूँकि ये पॉइंट सब कॉमन है तो इस वजह से ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। इसके बाद कैपेसिटर को हमने चेक कर लिया, इसके रेक्टिफायर को चेक कर लिया, डायोड्स को चेक कर लेंगे। तो देखें जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लगाते हैं तो ये हमें सिफर नहीं आना चाहिए, अब दूसरा कर लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे अब दूसरी को चेक कर लें तो ये देखें यहाँ पे ये भी ठीक है। अब यहाँ पे होगी चेक, इसके डायोड को भी चेक कर लेंगे और इसको भी चेक कर लेंगे जी। ये इस तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव पे कर देंगे तो ये बंद हो जाना चाहिए, एक दफ़ा चल के जी बंद हो गया, इसका मतलब है यहाँ तक ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अब हम इसको सीरीज़ में चेक कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, इसके बाद इसको प्रॉपर इलेक्ट्रिक देंगे। और अब दोस्तों हमने ये तमाम पार्ट्स जो हैं चेंज कर दिए, इसका टेस्ट भी कर लिए, तो मल्टीमीटर जो है वो हमें तमाम चीज़ें कुछ दुरुस्त बता रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे यहाँ पे जब मैंने ये इस डायोड नंबर 6 को जब मैंने चेक किया था तो यहाँ पे कुछ जो मसला आया था, लेकिन आगे चल के देखते हैं इसका क्या होता है। तो अभी हम इसको सीरीज़ में जो है वो इसमें इलेक्ट्रिक देंगे और इसको चेक करेंगे कि इसमें और क्या मसला है, चलता है कि नहीं चलता है। अब जब हम इसको इलेक्ट्रिक देंगे तो देखें ये सीरीज़ में हमने इसकी इलेक्ट्रिक दी, अब जी इसका स्विच ऑन करेंगे और यहाँ पे जी कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि इसके अलावा भी इसमें मसला है। तो वो क्या मसला है उसको हम चेक करेंगे, लेकिन वो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें और भी मसले शायद मौजूद है लेकिन अभी तक मैंने चेक नहीं किया, तो वो चेक करके और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते जाएंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें ख़राब हैं और ये किस तरह से ठीक हुआ।